मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, तेलंगाना। ठीक है, और किस मसलक को फॉलो करते हैं आप? मसलक उसलक कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट मोमिनिन हूँ मैं। अच्छा, चलिए कोई ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुस्लिम के भी एक जी दर्जा ऊपर चले गए, सीधा मोमिन बन गए। नहीं भाई, वैसा कुछ भी नहीं है, दर्जा वर्जा कुछ भी नहीं है, आप लोग बना दिए स्वभाव। तो मैं जिससे बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये लोग पूरे को मतलब खुदा कुछ नहीं मानते, या कोई सुप्रीम पावर को मानते क्या आप लोग? देखिए, ये डिस्कशन नहीं है जावेद भाई के सुप्रीम नहीं नहीं पावर नहीं को नहीं नहीं मानते मैं नहीं सिर्फ मानते। मैं सुन ये लीजिए भाई सुन लीजिए सुन वैसा लीजिए सुन जी सुन लीजिए मेरी बात। यहाँ पे ना हम किसी को ये डिस्कशन कोई पैनल में से किसी को करने देने वाले, एथियिज्म या नेचर या जो भी है वो इस पर डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन जो है उसका जी एक टॉपिक सिलेक्टेड है, उस पे आपको जी क्या कहना है आप वो बताइए कि क्या आप ऐसे खुदा को एक अच्छा खुदा मानते हैं जो काफिरों जी के दिल में, जो कि खुद उसके ही बंदे हैं, उसने ही बनाया है, वो दावा करता जी है जी ना, वो अपने जी ही बंदों के लिए कहता है कि मैं इनके दिलों में मैं दहशत तारी कर दूंगा, और आपकी कहता पूरी है। बात मैं आपकी पूरी बात समझ गया था। मेरे सिर्फ 3 सवाल है, उसके जवाब दे दो ताकि हमारे को डिस्कस करने में आसानी हो जाए, बस होते ही। और कुछ नहीं, रिक्वेस्ट है मेरी। जवाब आपको देना है सर। हाँ हाँ ठीक है, मैं जवाब दूंगा साहब। अभी बात क्या है, सिर्फ 3 सवाल है, रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप उसके जवाब दे देंगे तो मैं आपको जैसे भी टोटली उसका ये कर दूंगा, चलो ठीक है जनताक्षरी। जी। तो आप तो डायरेक्ट ये करते हैं, तो फिर कोई सुपर पावर को मानते क्या? जैसे मैं ये मानता हूं कि इस पूरी क्रिएशन का, पूरे यूनिवर्स का कोई क्रिएटर होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। आगे पूछिए। जी वाह, थैंक जी जबरदस्त। थैंक यू जी थैंक यू जी। दो दूसरा सवाल ये है मेरा, दूसरा दूसरा सवाल ये है कि आप जैसे कि मुनाफिक किसको समझते हैं डिक्शनरी के हिसाब से? जी मुनाफिक डिक्शनरी मतलब जो मैंने पढ़ा उस हिसाब से ये है कि जो जी क्या नाम है, ऊपर दिखाने के लिए अल्लाह को माने और अंदर से मना करे, जी मुशरिक साहब मुशरिक, जो शिर्क करते हैं, वही मूर्ति पूजा। नहीं, आप डिक्शनरी से बोलिए प्लीज। डिक्शनरी से बोलूं जी हाँ सर जी? जितना मैं पढ़ा हूँ, मैं एक मिनट, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ने बैठता हूँ ना, तो डिक्शनरी पता नहीं जी कहाँ हाँ होती, मुझे पता नहीं होता, बस जो लिखा नहीं नहीं होता है वो नहीं पढ़ता। जी जी हाँ तो मैं एक छोटा सवाल करूँगा पे, आप मुस्लिम रह के आप चौथा तो सवाल मतलब है निकल गए आपका, उसमें से। जी चौथा जी सवाल है आपका नहीं, तीसरा ही है, क्योंकि दूसरा ही है, कई गूगल तो आप उसका करेक्ट नहीं भी आंसर ये? जवाब, जवाब इसलिए पूछ रहा हूँ। गलत लगा, ठीक है, आपका सवाल हो गया, मेरा जवाब हो गया, भले ही आपको गलत लगा। अब आपके चौथा सवाल है। ठीक है ओके, चौथा सवाल ये है कि काफिर के माने क्या है साहब बस? अभी आपने तीन पूछने को कहा था, हसर जी हम कब पूछेंगे? ठीक हम भी है मिठाई खाने थे यहाँ ठीक इसके। है ठीक है, मैं बोल रहा ना साहब आपको, मैं सिर्फ 3 ही पूछ रहा हूँ ना, आप बोल दीजिए और खत्म हो जाता ना, उसके बाद में मैं शुरू करूँ। नहीं पता सर जी हमें, अब आप जो कुछ पूछेंगे हमें कुछ नहीं पता। ठीक है सर, मैं बता देता हूँ फिर, आप उसको तो एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, नहीं आप अब बताइए भी, शिर्क जो हमें पता है ना, हमें जी जानना है, हमारे सामने जो मुद्दा है नहीं, वही ना बस। देखिए साहब, हम अगर ये दो चीजें डिस्कस अगर सेटल नहीं कर सके तो आगे तो नहीं बढ़ सकते ना सर, क्योंकि वहां पे दो आता साल ही काफिर है ना ना, अगर जी। इस मुद्दे को छोड़ के बाकी बातें करेंगे 2 साल लग जाएंगे सिर्फ आपके साथ। आप 1 मिनट टाइम दीजिए ना मेरे को, 1 मिनट खाली। हेलो हेलो, हाँ 1 मिनट टाइम दे सकते हैं आप मेरे को, सिर्फ 1 मिनट, मैं सिर्फ हाँ दो के बोलिए जवाब आप। दे देता हूँ उसके बाद जी। शिर्क का मतलब, मुशरिक का मतलब ये होता है जो शिर्क करने वाला, किसी के साथ किसी को शरीक करने वाला। अच्छा आप मुशरिक का मतलब एक, ये अच्छा होता है ये डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप हदीसों को जी। मानते हैं या नहीं मानते? नहीं सर, मैं नहीं मानता उस चीजों को। अच्छा, सिर्फ कुरानी से आप? हाँ कुरान से बता बात करता हूँ मैं। ठीक है, अब आप जो भी बातें बताएंगे आपको कुरान के दायरे में रह के ही बताना है। जी बेशक बेशक बेशक, ठीक है, चलिए बताइए आप क्या बताना चाह रहे हैं आप। शिर्क का मतलब सब डिक्शनरी से ये मिलता है कि किसी के साथ शरीक करने वाला, मतलब यहाँ पे बात क्या हो रही है, अल्लाह की बात हो रही है, कुरान अल्लाह का कलाम है,
तो इसमें जैसे कि शरीक अल्लाह के साथ अच्छा करने मैं वाले को दूध ही में, मुशरिक कहा गया। एक मिनट जावेद भाई, अगर मैं दूध में पानी मिलाऊं तो मैं भी मुशरिक हूं? हाँ आप नहीं होते दूध, दूध जैसा कि शिर्क हो जाता, दूध में शिर्क करे ऐसा हो जाता, वही दूध में आप मैं मुशरिक नहीं पानी होते ना। मिलाऊं, आप या दूध मैं में दूध पानी में पानी मिलाने मिला रहा से, हूं तो मैं मुशरिक हुआ जी या नहीं हुआ? आप मुशरिक नहीं होते, दूध मुशरिक, दूध में शिर्क में आता हो, दूध में आप मिला दिए वहां पे तो वो चीज मिल गई। मैं आप मिला रहा हूं इंसान ना के तो मैं साथ, मुशरिक हुआ या नहीं? नहीं, यहाँ पे वैसा नहीं है साहब, यहाँ प्रैक्टिकल में आप कोई फिजिकल चीज को नहीं होता, यहाँ पे क्या है अल्लाह की बात हो रही है कुरान में, तो हाँ तो कुरान में अल्लाह अल्लाह की, की नहीं बात नहीं हो तो अल्लाह आप के किस साथ शरीक शरीक का कर बोल ले। रहे हो? एक मिनट, जावेद किसी के साथ कुछ भी शरीक कर दो तो मामला शिर्क में जाता है, तो अब आप हाँ अल्लाह पे कैसे पहुंच गए? हाँ आपने खुद मैं डिक्शनरी की बात की ना, अभी आपने डिक्शनरी की बात की, उस हिसाब से मैंने मिसाल दिया। अब आप कुरान से बता जी, दीजिए कि कौन मुशरिक होता है। मैं बोल रहा हूँ ना साहब, आपको बात कुरान की चल रही है, तो कुरान हमारी सिर्फ एक अल्लाह के वास्ते है, तो वो अल्लाह के साथ तुम शरीक करी तो मेरे साथ शरीक करने ये वाले को कहाँ मुशरिक है, बोला अल्लाह तआला होंगे। ये कहाँ है बताइए। आप डिक्शनरी खुद बोल रही ना साहब, मुशरिक के माने शिरक करने वाले के माने हैं। डिक्शनरी यार, तो शिर्क करने वाला तो मैं पानी मिलाऊंगा तो मैं भी मुशरिक हो गया ना कुरान मैं अरे इसमें, पानी क्या मिलाने कहते से हैं आप कुरान में पानी पानी मिला तो मुशरिक बोला क्या कुरान? अभी डिक्शनरी बोलती है ना, आप बोल रहे उसको थे ना बोलते सर हैं। मैं जी, क्या भूल बोल रहा हूँ गए। साहब, आप मैं क्या बोल रहा हूँ, कुरान सिर्फ अल्लाह का है, अल्लाह का बात जब चल रही है, अल्लाह की बात जब चल रही है, तो अल्लाह ये बोल रहा है कि मेरे साथ मिलाने वाले को बोल रहा, किसी और को नहीं कहाँ बोल रहा हूँ। कहाँ 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 है ये आयत बताइए। तो बोल रहा ना अल्लाह ताला, अब आपको मैं तो आया हाँ आपको लेके वही नहीं बैठा हूँ अभी, कुरान, हमारी हमारी जी हाँ आप एक चीज बोल रहे हैं कि अल्लाह ऐसा बोल रहा है, इतना बड़ा क्लेम अल्लाह के नाम पे आप कर रहे हैं लेकिन आयत पेश नहीं कर रहे आप। मैं यहाँ पे लेके नहीं बैठा, मोबाइल से बात करूं, मैं बाहर बैठ के हूँ यहाँ पे। ठीक है चलो, यार आप अगर वो इतना चीज को बेसिक मान रहे हैं तो काम ओके साहब। पूछ, देखो अभी आप मैं चार लफ्जों की डिक्शनरी खुलवा रहे थे, अब आप खुद मोबाइल लेके बैठे हैं। सर जी हम कौन सा पूरा स्टूडियो लेके बैठे हैं? ठीक है भाई, नहीं अच्छा लेके इस बैठे आयत आपको मैं का क्लेम कुछ करा लेना क्या? है जावेद भाई, इसके लिए हम जी कह रहे थे जी आपसे कि टॉपिक पे जी रह के बात करो। आप बताओ और इस आयत टॉपिक पे ही हूँ पे आपका साहब, क्या कहना है। हाँ इस आयत मैं पे क्या टॉपिक कहना से है नहीं आपका, हटा। अल्लाह जो है हाँ ठीक है, यार। मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर, काफिर के हाँ मतलब हमारे पास ढापने वाला और जैसे कि दिल में मान के इनकार करने वाले वो काफिर बोलते डिक्शनरी के हिसाब कहाँ से। है डिक्शनरी में है साहब, कहाँ है वो तो मैं क्या बोलूंगा, डिक्शनरी में आप देख लीजिए ना। पढ़े हो सर जी, वही पेश कर दी जाएगी यहाँ पे गूगल से खोल के। ताज हाँ ताज डिक्शनरी खोल लीजिए आप देख लीजिए, ताज कौन सी डिक्शनरी, ताज आपने मतलब क्या बताया था जरा बताना जरा दोबारा। काफिर का मतलब है ढापने वाला, जो चीज को कोई चीज को ढाप दिया, ढाप दे के जैसे कि अपन छुपाता कुछ छुपाता अलग प्रोड्यूस करे है उसको ना। बोला हाँ जाता जी, तो छुपाता है अभी जी। आप अल्लाह बेशक की बात को ढापने वाला, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था अल्लाह की बातों को ढापने वाला। जी, नहीं अल्लाह के नहीं, कुफर का मतलब ये है कि कहीं भी ढापने वाले को बुलाया था। मैं मुशरिक का मतलब बोला, अच्छा मुशरिक जो होता है ना अल्लाह के साथ शरीक करने वाले को मुशरिक बोला। हाँ अब एक काम करिए, क्या आप जी ईमानदारी से जवाब देना, क्या आप जी एक दाढ़ी मुल्ला किसान को जो बीजों को जमीन में ढाप देता है उसे काफिर बोल सकते हैं उसके मुंह पे जी जाके? बेशक जी बेशक, सर जी कब्र में ठिकाना हो जाएगा आपका। कोई बात नहीं साहब, हाँ कोई बात जाके नहीं। बोलिएगा, दाढ़ी मुल्ला किसान होगा, नहीं मौलाना साहब होंगे, वो दाढ़ी रखे होंगे, किसान होंगे, उनसे जाके हाँ बोलना कि आप बेशक, तो काफिर। हाँ तो जिसको मालूम नहीं है उन तो लड़ेंगे ना सामने से, अब जो जाहिल है जिसको मालूम नहीं नहीं है आप उन तो मेरे सवाल से नहीं लड़ेंगे समझे ना। जावेद भाई, जावेद भाई आप मैं सवाल ही सवाल नहीं समझे समझा जावेद भाई का। साहब, मैं सवाल समझा साहब, आप बोल रहे हैं कि किसान को जाके बोलो, बोल रहे हैं मुल्ला किसान है किसान दाढ़ी नहीं, लगा एक लेके। दाढ़ी, एक मिनट एक मिनट, एक मुस्लिम दाढ़ी जी वाला किसान जो बीज ढांप लेता है, ढांप देता है, ठीक है, छुपा देता है जी जमीन के अंदर, क्या जी आप उसको जाके जी काफिर बोल सकते हो कि आप काफिर हो? मैं बोल रहा हूँ ना साहब, अगर जरूरत पड़ी तो मैं बोलूंगा, अगर वो अकलमंद है तो समझेगा, जाहिल रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा अरे मतलब भाई उसके से बीज के छुपाने से वो काफिर काफिर हो जाएगा? हाँ बेशक, बताओ बीज के छुपाने से नहीं होता साहब, छुपाने वाले को बोलते, पर जमीन में बीज डाल रहा उन्हें, जमीन को बराबर कर रहा तो वो छुपा रहा ना सब।
अच्छा एक बात बताओ कि अभी मिसाल के आप तौर जी पे, बोलिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं आपको एक मिसाल जी देता बोलिए हूँ। बोलिए जी रास्ते में मुझे एक 10,000 रुपया दिखाई दिया, ठीक है। अब जी वो 10,000 मैंने वहां से उठाया और उसको मैंने छुपा दिया, जी तो क्या, और मैं मुस्लिम हूं, एक अल्लाह को भी मानता हूँ, रसूल को भी मानता हूँ, नमाजें पढ़ता हूँ, लेकिन वो पैसा लेके जी मैंने छुपा दिया, जी तो क्या मैं काफिर हूं? आप छुपाए मगर कोई पूछे नहीं ना आपको, आप कोई पूछे तो आप होते ना वहां पे, आप बोले क्या मैं छुपाया हूं, बोले किसी को बोले क्या आप? हाँ, मैं आपको अच्छा बताया चलो, ना कि मैं, मैं अपने घर की मिसाल देता हूं। जी जैसे मेरी बीवी जो है वो मेरे घर के छोटे बच्चों से बचाने के लिए कुरान को छुपा के रखती है, अब क्या वो काफिर जी है? बेशक फिर तो मेरा पूरा अरे मेरी पूरी पूरी दुनिया काफिर हो गई। कोई चिल्लर छुपा रहा है, कोई बैंक अकाउंट छुपा रहा है, कोई साहब, कुछ छुपा रहा है। साहब आप मेरे को 100 मिसालें दे रहे हैं, आप डिक्शनरी को नहीं मानते, बोल दो ना साहब सीधा। अरे सर जी, आप आप भी खोलने को डिक्शनरी के हिसाब तैयार से नहीं होते। मिसाल दे पहले रहे हैं। आपने शुरू में कहा जो अल्लाह की बातों को ढाप लेता है वो काफिर है, हमने कहा मतलब दिखाओ। तो अब अल्लाह की सिर्फ नहीं बोला मैं, अल्लाह की नहीं बोला, अल्लाह की नहीं बोला, कुफुर की जगह नहीं बोला, मैं सिर्फ शिर्क की जगह बोला। बोलो साहब मैं बोलूं, देखें, हाँ बोलिए। बोलिए। मैं शिर्क के जगह बोला कि अल्लाह की किताब है, जब अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे साथ शिर्क करने वाले को बोलते, कुरान में बोला कुफर का मतलब ये है कि हर कोई कोई भी छुपान दो, कोई भी चीज छुपान दो वो काफिर कहलाता हूं। यहाँ पे अल्लाह की बात नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज को छुपाने वाले को काफिर बोलते हैं, हाँ तो जो फिर सब इनकार काफी करता हुए ना, छुपाता। अल्लाह भी जी काफिर हुआ, पूछे कैसे? वो सब नको, अब हमारे को जैसे कि जो चीज होना था वो आप डिक्शनरी से देख लिए ना, अब अल्लाह काफिर मैं है आप बता रहा बोल हूँ, लो, मेरे को उससे कोई फर्क पहले पड़ने का नहीं। जान तो लो एक क्यों अल्लाह काफिर कैसे हुआ, वो हाँ तो जान ठीक लो है, पहले। हाँ ठीक है, चलो मैं ठीक है बोलो बता, हाँ, जैसे कुरान जी में बोलिए। कई जगह अल्लाह ने कहा है कि और इसी तरह हम अपनी आयतों को तफसील से बयान फरमाते हैं ताकि तुम समझो, ठीक है। अब जी अल्लाह ने लगभग 28-29 आयतों के मतलब छुपा लिए हैं। जी लाम मीम, यासीन, नू, ये सब इनके मतलब छुपा लिए हैं, अब तो अल्लाह भी काफिर हुआ। जी अल्लाह तो उन्हें पूरी कुदरत रखता है ना साहब, उन्हीं नाजिल कर रहा ना आपके ऊपर। तो छुपाया ना लेकिन अल्लाह ने, आयतें आपको छुपा उसके ली, माने नहीं मालूम है। जी 28-29 आयतों के मतलब छुपा लिए, तो वो भी काफिर हुआ ना। छुपाए नहीं साहब, आपको नहीं मालूम है उसके माने, उसीलिए खामोश है आप। अगर आपको मालूम है किसको तो नहीं बोल मालूम देते है, होते ही ना, अल्लाह बताता आपको तो नहीं नहीं मालूम मालूम है पड़ दुनिया। जाता। देखिए साहब अरे कई चीजें दुनिया में ऐसे है जिसके माने आज तक नहीं मालूम है ना। क्यों हाँ तो नहीं मालूम इनके है, अल्लाह मतलब, ने नहीं बताया एक मिनट ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जैसे जब आदम को खल्क किया गया तो आदम को सभी चीजों के माने मतलब बता दिए गए थे, मानते आप इस बात को? अब सभी नहीं, कुछ कुछ चीजों के, कुछ मतलब चीजों जैसे के नाम बताए गए। कंप्यूटर जी साहब लैपटॉप ये सब छूट गए थे ना। नहीं, वैसा नहीं है साहब। देखो फरिश्तों से जब बोला गया कि हम इनको कुछ चीजों के नाम सिखा रहे हैं, तुम बोलो बोलता, नहीं बोले तो फरिश्ते नहीं बोल सकते, या अल्लाह तू जानता बोलते। तो वहां पे जैसे कि आदम अलैहि सलाम को बोलता कि आप बोलो बोलते, तो उनके नाम बताए थे बोलते। यहाँ पे पूरे सिखाए चलिए बोल के अच्छा, बोल, तो एक फिर दुनिया में। मिनट, जी साहब दुनिया के सिंगल सिंगल पर्सन का नाम बता दीजिए इन आयतों के मतलब, बताओ, क्योंकि हमें तो नहीं पता भाई। कौन सा होगा, एक सिंगल बंदे का नंबर बता दो जिसे इन आयतों के मतलब पता हो। मैं बोल रहा हूँ ना साहब, उसका ट्रांसलेशन उर्दू में हुआ ही नहीं तो मैं कैसा बोलूँ। अरे तो अगर उसका किसी को तो पता ट्रांसलेशन होता तो होगा। मैं बोलता था ना, एक मिनट, जब आपको अल्लाह जब अल्लाह के भरोसा है या रसूल, नहीं, जब आपको अल्लाह अल्लाह के पे रसूल भरोसा को है या भरोसा नहीं? हाँ है, बोल के मैं आगे बात कर रहा हूँ ना साहब आपसे। तो सुनिए, जब अल्लाह ये बोलता है कि इसी तरह हम अपनी आयतों को तफसील से बयान फरमाते हैं ताकि तुम समझो, जी हाँ, अब वही बोल रहा पूछ हूँ, रहा हूँ कि या तो अल्लाह ने इन आयतों के मतलब छुपा के काफिर हो गया है, या अगर किसी को पता हो तो बता दो भाई, किसको पता है? वाह, देखिए साहब जिस टाइम पे आयत नाजिल हो रही थी उस जमाने में वो सहाबा पूछे नहीं, मानते रसूल बताए नहीं, वो चीज तो मालूम नहीं हमारे को, हम कैसा बताइए ही उसके। जी नहीं भाई, कब आयत नाजिल हो रही थी? तो अल्लाह बोलता है कि हमने रमजान के महीने में उतार दिया, अब बारी बारी क्यों उतरवा रहे हो जबी जबरदस्ती?
जब भी उतरे, जब की बात कर रहा हूँ मैं, अभी जब उतरी हाँ वाली ट्रेन नहीं पाऊँ ना, जब भी उतरे। जल रही है ठीक ना है दिन हो आप, रही। ठीक है चलो आपके हिसाब से है तो ओके, मान लिया मैं ओके। हाँ क्या अभी मालूम आप मुझे आप इंग्लिश पे आ बताइए, जाएंगे अब नहीं जी। अब मुझे आपको बताइए, मैं अल्लाह को काफिर क्यों ना कहूं? उन्होंने 2829 आयतों के मतलब छुपा लिए, मैं उन्हें काफिर क्यों ना कहूं? वजह बताइए। आपकी मर्जी है साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ क्या बोलने से? आप क्यों नहीं काफिर समझ रहे अल्लाह को? क्योंकि मैं आपने कहीं को खुद जो समझता हूँ क्योंकि डेफिनेशन दी, उतार उतार जी आपने खुद जो कुरान में डेफिनेशन दी, उस हिसाब से तो जी। अल्लाह काफिर हुआ ना, देखिए साहब कुरान छुपाया में एक अल्लाह ने। आयत आती, सुनो ना मेरी बात भी सुनो ना प्लीज। अल्लाह ताला कुरान में एक आयत में फरमाता है कि हम कुछ आयतें तुम्हें ओपन करके बता दिए, कुछ मुतशाबे आयत हैं जो इसका माना किसी को नहीं मालूम, हम किसी को बताते नहीं, बोलते बोल रहा। हाँ आप बोल दिए ना, हम नहीं बताते हैं, छुपा लेते हैं ना, तो हाँ ठीक है ओके, छुपा लिया। छुपाने वाला कौन इसे आप, इससे प्रॉब्लम क्या है साहब? छुपाने से प्रॉब्लम क्या हुआ? छुपाने नहीं आपको तकलीफ तो नहीं है ना छुपाने से? वाला? अरे मुझे तकलीफ किसी चीज से नहीं है भाई, मैं कौन सा कांटे पे बैठा हूँ? मुझे बताइए हाँ ठीक छुपाने है वाले ओके, आप फिर अभी क्या कौन साहब? सा? ओके ना आप तो खुश ना आपके है डेफिनेशन के जी, हिसाब से अल्लाह काफिर आप तो हो गया खुश हो ना, गए ना छुपाने साहब। वाला काफिर होता है, अल्लाह ने छुपा दिया। ठीक है ठीक है गालिब जी, वैसे अल्लाह ने खुद को भी तो छुपाया हुआ है ना, देखे जी। हाय 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 हेलो हाय। अच्छा जावेद जी, वो सब आप बाजू में रखिए, जी, आपके डेफिनेशन के हिसाब हाँ से तो ठीक है खुद हो अल्लाह गया काफिर जी नजर आ रहा है। अब जी बताइए कि जी हाँ, जी इस आयत में अल्लाह जो है वो काफिरों जी के दिल में दहशत क्यों डालना चाह रहा है और उनकी गर्दनें उड़ाने को क्यों कह रहा है? क्योंकि एक अच्छा अल्लाह कभी ऐसी बात नहीं कहेगा। जी यहाँ पे क्योंकि देखिए अगर साहब एक वो बात बता रहा दहशत हूं दिलों में डाल सकता है, अगर उसका जी इन्वॉल्वमेंट दहशत डालने का है, तो इसका इन्वॉल्वमेंट जी फिर मोहब्बत डालने में होना चाहिए था, क्योंकि वो भी उसकी जी यादें बेशक हैं। हाँ, तो बेशक बेशक ऐसे सही अल्लाह बोले को आप आप। एक अच्छा अल्लाह और खुदा कैसे मान सकते हैं? हमें तो नहीं नजर आ रहा है मैं जो बोलूं इस साहब, तरीके का काम करे उसको हम अच्छा अल्लाह कैसा माने? ठीक है मैं बोलूं साहब आपको, मैं बोलने का टाइम है मेरे, बोल सकते टाइम दे रहे हैं, ये मैं आप बोलूं? दूसरी जलेबियां मत बनाइएगा, इस सवाल का जवाब नहीं नहीं दीजिएगा। जिले नहीं, मैं जिलेबी नहीं बना रहा और लड्डू भी नहीं बना रहा, मगर आप जैसे जवाब दूं क्या मैं? हाँ जवाब दीजिए, क्यों नहीं डाला अल्लाह ने? मोहब्बत क्यों नहीं डाला, दहशत क्यों डाला? जो खतल और किताल पे आयाते हैं पूरे, जैसे कि आप लोग, आपको जैसे कि टोटली मिला के 70 कुछ आते सर इसमें। हेलो हाँ हेलो, तो उसमें से 68 आया तक आपको जैसे कि सब्र करो उसके बारे में, जैसे कि गौर करो बोल के आया सो है। हेलो हेलो हाँ हेलो, बोलिए आप जवाब नहीं दे रहे आप। आवाज आ रही है? हाँ दे रहा हूँ। 70 आयात के ऊपर कुछ आयात है इसके अंदर, तो उसमें जैसे कि 68 आयात जैसे कि आपको सब्र करो, इनसे मत लड़ो, इनको समझाओ, इनको बोलो, ये लोग आपको घर से निकाले, ये लोग आप पे जुल्म करे, ये आपके लोगों को नाहक कत्ल करे, ये लोग आपके ऊपर जुल्म करे बोल के हर जगह पे आपको सब्र करो बोल के आया। उसके बाद हाँ सिर्फ 2 या 3 आयातों में आप इनको मारो कत्ल करो जहां मिले इन लोगों को, जैसो कि जैसा बोले वैसा कत्ल करो बोल के आया जी। तो उसमें जैसे कि जब ये सबर करने के 68 आयात है, वो आप लोग कभी नहीं देखे या फिर आप लोग छुपाते, मेरे को नहीं मालूम, नहीं लेकिन सबर आप जो तो 3 आयात एक जी। मिनट हेलो जी हेलो, चलो जी आपने बोला हेलो कि हम लोग सबर वाली आयत नहीं देखते, ठीक है चलो हम कसूरवार जी हुए भाई, हम तो मानते हैं जी इसमें अच्छी और बुरी दोनों बातें हैं, आप मानोगे इस बात को? जी बुरी नहीं है ना साहब, बुरी कहाँ है आप बताइए, मैं कौन सी आयत बुरी है अब आ गए ना लाइन पे, तो जी, अब बोलिए बुरी ना नहीं है आप, अगर तो आप उसमें हमारा को सही साबित करके दिखाइए फिर। अब ठीक है साहब, मैं आपके घर में घुस के आपको मारा कत्ल करा आपको लूट लिया, तो आपका भाई आपके जैसे कि बेटे क्या करेंगे? मैं खामोश बैठी है ठीक नहीं ये मिसाल गलत है, मिसाल मैं देता हूँ आपके एकदम मतलब है। लायक है। हाँ हाँ ओके ओके वेलकम, बोलिए बोलिए अभी जैसे सबको अल्लाह ने पैदा किया, जी जी सबका सबकी जी तखलीक अल्लाह ने किया ना,
बेशक बेशक जी, बोलिए आगे बोलिए जी। अभी ये बताओ, जैसे मान लो आपने अपने दो बच्चों को पैदा किया, एक बहुत कमीना निकल गया, ठीक है, और एक शरीफ। अब आपके अंदर अगर पावर हो कि आप अगर चाहें तो जो कमीना निकला है उसे शरीफ बना सकते हैं, और आपके अंदर मतलब हर तरह की पावर है, आप जैसा चाहे कर सकते हैं, तो आप जो आयत में लिखा है करवाएंगे या उसके दिल में मोहब्बत डालेंगे? हाँ जी, बेशक, बोलो मैं जवाब दूं सर इसमें। अगर बोलो। मैं आज के पोजीशन में हूं तो मेरे बेटे को जैसे कि 68 टाइम समझाऊंगा, साहब मेरे बेटे ऐसा मत कर दे, मेरे बेटे ये गलत मत कर दे, मेरे बेटे ये झूठ मत बोल दे, मेरे नहीं, बेटे आप किसी पे सवाल नहीं जुल्म मत कर समझे, दे। अरे सवाल नहीं समझे। समझाना साहब, बता रहा हूं ना, बता रहा हूं ना, नहीं, सुनो ना उसमें साहब मेरी मेन बात पॉइंट, तो। मेन मेन पॉइंट, मेन पॉइंट आपके जी इख्तियार में है कि आप उसको सच्चा हाँ बना सकते हैं, वो पॉइंट नहीं समझे ठीक है, राजू ओके भाई क्या कह ओके रहे हैं? ओके हाँ, ओके, मैं आपके बोल रहा हूँ, जवाब इख्तियार में दीजिए। है। सुनो सुनो, मैं थोड़ा जी आसान कर देता हूँ आपके जी समझने के लिए। जी गालिब भाई ने जी आपसे ये कहा कि आपके इख्तियार में है कि आप उसको अच्छा बना सकते हैं, जी आप क्या करोगे? उसके दिल जी में दहशत डालोगे कि हाँ, उसको अच्छा बना दोगे? हाँ, अभी मेरी बात सुनेंगे आप? इसका जवाब दीजिए। हाँ, अगर मेरा बेटा ऐसे कुछ काम कर रहा है जिससे सामने वाले को तकलीफ हो रही, सामने वाले का नुकसान हो रहा, या सामने वाले को कत्ल कर रहा, तो मैं तो उसको पहले समझाऊंगा कि 50 बार बोलूंगा, देख बेटे ये गलत है, ऐसा मत कर बोल के बोलूंगा। आपके अगर पास उसके बाद पावर भी नहीं है सुन, उसको अच्छा बनाने की, यानी आप कहे कुन जी कुन जी बेटे, और वो बेटा जी आपका अच्छा बन जाता, मेरे पास खून का अब पावर नहीं क्या आता कमी साहब, करते मेरे पास तुम्हें? सिर्फ नहीं, आपके पास नहीं है, अगर आपके पास पावर आ जाए जी, तो ये क्या मैंने करते तो सर? सवाल में ही बोल दिया है कि आपके हाँ पास वो सुपर पावर हो कि आप जैसा चाहोगे आपका लड़का वैसा जी ही बन जाएगा, जो नहीं, जो कमीना है वो अच्छा बन जाएगा, तो हाँ आप क्या करवाना नहीं चाहोगे? ये आयत वाला काम या फिर नहीं शरीफ नहीं बना दोगे? यहाँ तो पे, समझाने में क्यों टाइम खराब कर रहे हो अपना, जब आप चाहने से हो जाएगा? यहाँ पे फ्री विल दे के है साहब, हमें इंसान को फ्री विल दे के है। अगर फ्री विल का अगर उन्हें गलत इस्तेमाल करा तो बेशक उसको कत्ल करने का हुक्म है, बाप भी बेटा कत्ल करेगा, कोई गलत बात नहीं। अरे सर जी, फ्री विल का गलत और सही इस्तेमाल क्या होता है? फ्री विल तो फ्री विल होती है ना, आप कहीं और बात को मत ले जी जाइए, सीधे से सवाल का जी सीधा जवाब दीजिए। हाँ, आपके पास पावर है तो आप उसको अच्छा बनाएंगे या उसके दिल में दहशत डालेंगे? ये सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। मैं बोल रहा हूँ ना साहब, 68 मरतबा समझाऊंगा, नहीं समझे तो उसके यार बाद में जावेद जैसे कि उसके भाई, दिल में दहशत जावेद बैठाऊंगा। भाई, जी जावेद भाई, जी आपके जी पास भाई पावर है। अच्छा, ये सवाल आप मुझसे करिए, जी, सेम सवाल आप आप मुझसे ठीक है, करिए। आप ओके, मैं आपसे सवाल कर दिया, आप जवाब दीजिए। हाँ, मैं ये कहूंगा कि अगर मेरे पास पावर है कि मैं बेटे को कहूं जी कुन बेटे, कुन कुन जी सुधर जा बेटे, और वो मेरा जी बेटा अगर मेरे पास पावर है और उससे वो सुधर जाएगा, तो जी मैं उसके दिल में दहशत जी डालने के बदले कुन सुधर जा बेटे बोल को उसको उसको मैं सुधार दूंगा। जी हो गई बात हाँ, आपकी। क्योंकि मेरा मेरा हाँ बच्चा तो ना हाँ सुनो, जीवन, बच्चा ना जीवन हाँ है। ठीक है ओके, हाँ ठीक है ओके ओके, आपका बच्चा है वो। अभी आप ये हाँ बोलिए, आपका बेटा जिसको नुकसान करा, जिसको तकलीफ दिया, जिसको जैसे कि जिनके औलाद को खत्म करा, जिसको मार दिया, जिसको घर से निकाल दिया, उन लोगों का हिसाब कौन देगा फिर? कौन बोल के? हाँ, मैं बोलता हूँ। हाँ, मैं क्या करूंगा, कौन जो गलती किया, जी जो नुकसान हुआ, कौन सब सुधर जा, उसके पास जी एक्स्ट्रा, उन्हें 2 लाख का नुकसान किया, कौन उसके पास जी 4 लाख आ जी जा, ऐसा बोल जी को उसका नुकसान भी मैं उसको रिवर्स कर डालूंगा। अच्छा, तो आप बोल को कर देते बोलते, अब इसीलिए आपको हाँ, कुन को पावर नहीं पावर दिया पावर ना भाई, कहाँ है करेंगे तो। बोलो हाँ, जी, अभी आपके पावर आपके उसलिए दे अल्लाह के पास आपको, पावर ना जी, आपके नहीं अल्लाह के उसीलिए तो पास नहीं दहशत दिया, डालने की पावर ना जी, उन्हें दहशत काहे के लिए डालता उसीलिए सो? उन्हें जी उन्हें उस आपका अल्लाह पावरफुल ना, उन्हें दहशत डाल सकता, उन्हें जी दहशत काहे के लिए डालता? जी उन्हें उन्हें मोहब्बत डालना जी ना, तो फिर आपको ऐसा इम्तिहान कह अल्लाह का को है, चाहिए। फिर तुम्हारे और को अगर इम्तिहान कह अल्लाह का है जी को, बा, अगर सुनो, अगर जी अल्लाह को जी इन्वॉल्व बा नहीं होना तो उन्हें ना जी दहशत बा, डालना, ना उन्हें मोहब्बत डालना, उन्हें लोगों पे बोल छोड़ना ठीक अपने मिल्कर है को। ठीक है, मेरा बेटा आपके बेटे को खत्म कर दिया, अब
आप कुछ भी नहीं बोलते, बोलते मैं उसको खामोश बैठता हूँ, दिल में मोहब्बत डालता हूँ, मान लेते हैं। नहीं नहीं मेरा बेटा खत्म कर डालता, मेरे पास पावर है तो मैं क्या करता, जिसको खत्म कर डाला उसको जिंदा कर डालता। मैं वही बोल रहा हूँ नाजिबा, मेरा मेरा बेटा आपके बेटे को खत्म कर दिया, आपके भाई को खत्म कर दिया, आप आगे मेरे को बोल दो। जी भाई जावेद भाई एक मिनट, मुस्लिम सलीना जी आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है ये रोप, अगर किसी को और भी आती है यहाँ पे तो ये रोप वर्ड जो लिखा हुआ है आयत में इसका लिटरल मीनिंग क्या है, मुझे कोई बताएगा? दहशत, दहशत, इसको अगर मैं इंग्लिश में करूं टेरर, ठीक है, लेकिन इसका मतलब उर्दू में दहशत है। और जब हम लोग एक्सप्लेन मतलब ये वीडियोस देखें, अगर आप एक्सप्लेनेशन जो बड़े स्कॉलर्स और सब दे रहे होते हैं मुफ्ती वगैरह, ये कहते हैं कि खौफ डाल दिया और वहां पे रोक दिया गया उन लोगों को। अच्छा, किस कोई मुस्लिम ये बात नहीं कहेगा, मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, पहले भी आई थी यहाँ पे, जब मैं आई थी लास्ट स्ट्रीम में तब मुझे ये बोल दिया कि कोई सवाल करेगा इस चीज पे, क्योंकि मैं तो 8 साल से इन चीजों में सवाल करे जा रही हूँ हर किसी से। मैं तो उस दिन आई भी सवाल करने थी, वो तो एक इस तरह का क्वेश्चन था, मैंने सोचा मैं देख लेती हूँ शायद मुझसे एक्सप्लेन हो जाए, तो मैंने कर दिया। और दूसरी बात ये है कि कोई मुस्लिम इस चीज को टेरर, दहशत एक होती है ना गुस्सा, या इस चीज का नाम नहीं देगा ये रॉब वर्ड जो है इसको, ये बस ये कहेंगे कि खौफ डाल दिया और उस साइड पे जो दूसरा ग्रुप था उस साइड खौफ डाल के उनको पीछे कर दिया या उस जगह पे खड़ा कर दिया अल्लाह ने, ये बात करेगा। तो ये रोप वर्ड जो है इसके, हम लोग तो ये कहते हैं ना जो वर्ड लिखा हुआ है फिर बोलते हैं डिफरेंट मीनिंग्स भी होते हैं अरबी के, तो मैंने इसलिए पूछा ये रोप का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है इसमें। मैं बोलो भाई कुछ, हाँ साहिल भाई, अच्छा मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, फिर ये कोई बात ना कहे अभी इसके बाद ये कोई बात नहीं कहे कि ऐसी आए तो मेरे को सवाल नहीं उठ सकता, कोई गुंजाइश ही नहीं है, और कोई सवाल करे तो वो मुड़ते थे, ऐसा कुछ ना, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं एक एज अ मुस्लिम सवाल कर रही हूँ यहाँ पे। जी किससे, जावेद से, जावेद भाई से सवाल है आपका? कोई कोई भी जवाब दे दे मुझे, मैं तो एक सवाल कर रही हूँ, जो इस्लाम को डिफेंड करता है वो जवाब दे ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा ठीक करिए आप। दूं क्या जवाब, दूं क्या मैं, सवाल तो सुन ले। हाँ सुन ले। ये रोब का, जी रोब का लिटरल जो मीनिंग है वो क्या है, और अगर इसका मतलब वाकई टेरर है तो फिर ये एक्सप्लेनेशन जो हर मुफ्ती में, एक दो की बात नहीं करूंगी, हर किसी की बात कर रही हूँ मैं, मैंने जिसके भी मुंह से ये बात सुनी उसमें खौफ की बात कही है और बोला कि खौफ डाल दिया वो हेल्प करने के लिए, मुसलमानों की हेल्प करने के लिए खौफ डालता है, इधर दहशत की कोई बात नहीं की हुई, ऐसा स्कॉलर्स कहते हैं, तो इसका क्या आंसर है, झूठ क्यों बोला जाता है फिर ये, मतलब गुमराह क्यों किया जाता है, घुमा फिरा के बात क्यों की जाती है एक्सप्लेनेशन में? देखिए देखिए मोहतरमा, पहली बात तो क्या है, जो आपको साहिल साहब बता रहे हैं वो मीनिंग गलत है, कैसा बोलते हो, रोप का मतलब ये है उनके दिल में डर बिठा दिया गया, एक आदमी अगर टेरर अगर उसके दिमाग में आ गया, टेरर अगर हम डाल दिए तो वो आदमी उल्टा ज्यादा जैसे कि टेरर मचाने भाग के आके लड़ने को खड़े जाता वहां पे। यहाँ पे रोक का मतलब आप मुस्लिम हो, आप मुस्लिम हो? जी जी मैडम मैं मुस्लिम हूँ। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, कब से ये लोग टेरर कह रहे हैं, दहशत कह रहे हैं, इससे पहले आपने ये बात क्यों नहीं कही कि खौफ मतलब है इसका? मैडम एक बात देखिए, आप डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखिए, अगर आप किसी को भी पूछे कोई भी कुछ भी बोल जाए तो इसमें कुरान का तो कसूर नहीं है ना मैडम? कुरान की तो मैं तो खुद कुरान की बात नहीं कर रही, मेरे पास तो खुद सवाल है कुरान से रिलेटेड, आयतों से रिलेटेड, हदीसों को मैं मानती नहीं। और दूसरी बात फिर ये, अगर जब एक बात चल रही है यहाँ पे दहशत बोला जा रहा है बार बार कि दहशत डाली, तब आपने कोई बात क्यों नहीं की कि दहशत वर्ड नहीं है यहाँ पे, खौफ वर्ड है, और खौफ में दहशत में बहुत फर्क होता है, आप कह सकते थे, आपने बात क्यों नहीं कही? देखिए मैडम जिस टाइम पे इसके मीनिंग बता रहे थे वहाँ पे कम से कम एक वर्ड के 4-5 मीनिंग आते, जो लोग जो मीनिंग लेके जैसा लिख दिए बस आप लोगों को वहां पे मिल गया। अब आप जैसे कि आपको साहिल साहब ये बोल रहे हैं कि भाई दहशत का मतलब टेरर बोल रहे हैं, सामने वाले को टेरर अगर उनके दिल में डालता तो वो तो पहले आगे लड़ते थे ना, वो तो घर से निकाल देते नहीं थे ना, वहां पे खत्म कर देते थे ना, ये सब होता था, वैसा नहीं है वहां पे। दहशत का मतलब वहां पे रोक का मतलब क्या है, डर बिठा दिया गया कि भाई तुम अब यहाँ पे जैसे कि तुम एक लाचार के तरह रहते, इसलिए कि वहां पे मुस्लिम की तादाद कम थी वहां पे, उसीलिए दहशत बिठा दिया सामने वालों पे कि वो लोग जैसे कि वहां पे डर रहे हैं। जावेद भाई एक मिनट मुस्लिम से लेना, ये देखो quran.com पे मैंने ये ओपन किया है, ठीक है, इस पे क्या दिखा रहा है इसका मीनिंग,
टेरर, सही। हाँ, ये धोखा देने वाले काम ना करे जावेद भाई। आपने असल भाई सवाल मेरे, का जवाब नहीं दिया कि अल्लाह उनके दिलों में टेरर डाल के उनके हाथ पैर या गर्दन उड़ाने के लिए क्यों कहता है। एक अच्छा अल्लाह क्यों ऐसा काम कर रहा है, वो मोहब्बत डाल मैं देता बोल रहा ना हूँ ना यार। भाई, आओ भाई आप भी तो, अगर तुम्हारे भाई को बेटे को खत्म करे तो मोहब्बत से आके बोलो अच्छा करे जावेद भाई, आपका बेटा मेरे बेटे खत्म करा तो मैं भी खाना बढ़िया हूँ, नहीं, अरे है नहीं फिर बात। मिसाल गलत दे रहे हो भाई, फिर मिसाल सिक्सटी गलत एट दे रहे टाइम्स हो। जब हेलो, सम 68 टाइम्स एक फिर आदमी को समझाया बाद में भी नहीं समझे तो कौन क्या सुनो सुनो करेगा जावेद भाई। भाई, सुनो सुनो इससे सुनो पहले जी भी जी एक साहब, मोमिन ही आया था, इससे पहले भी एक मुस्लिम ने ही इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी ना। उसने भी यही बात जी कही थी कि ये दहशत की बात है। उसने भी इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया, जबकि मेरे पास इतने सारे प्रूफ्स हैं, वीडियोस हैं। हर बंदा जो यूट्यूब पे एक्सप्लेन कर रहा है कुरान की आयतों को सबको, तो वो यही कह रहा है, खौफ बिठा दिया। सबसे पहली जो वीडियो मैंने देखी थी डॉक्टर इसरार अहमद की देखी थी, उन्होंने जब ये बात कही कि खौफ बिठा दिया और वहीं पे उस ग्रुप को खड़ा कर दिया। और जबकि मैंने खुद जब ये पढ़ा और रोब का मतलब द टेरर आ रहा था, तो खुद मैं कंफ्यूज हो गई, क्या सारे स्कॉलर्स गलत कह रहे हैं। देखिए मैडम स्कॉलर को मानते हैं आप डिक्शनरी को मानते हैं, ये बोलिए मैडम ये क्या जो बात है लिखा स्कॉलर। अच्छा लिखा ठीक सो है, फिर आप फॉर। स्कॉलर्स, फिर नहीं आप किसी मैडम स्कॉलर तो को नहीं सुनते। 25 25 लोग अपना डिक्शनरी पे भी, 25 एक का सेकेंड, तर्जुमा करें डिक्शनरी ना पे भी मैडम देख लो ना। साहिल जी। देख लो डिक्शनरी पे भी क्या आ रहा है रोब का मतलब। वो तो ठीक है, डर या खौफ में फंस जाएंगे तो पूरा मामला चला जाएगा कहीं और, नहीं तो रॉब, फिर असल वैसा में वैसा बात क्यों यही नहीं चल बोलते रही थी ना, भाई। टेरर डाल दिया, टेरर डाल दिया, तो यही बात चल रही थी ना। मैं हाँ से भी ये कह रही हूँ, कोई भी अभी तक मुस्लिम देखें ऐसा नहीं आया जिसने इस वर्ड को सही क्लियर करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने जो वीडियोस देखी थी उसमें ये वर्ड खौफ के ऊपर बात बात की जा रही थी, खौफ डाल दिया और यहाँ पे दहशत। अब मतलब क्वेश्चन तो ये थे ना कि मोहब्बत डाल सकते थे या नहीं, तो खौफ में और मोहब्बत मैडम, में मतलब देख बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। जी मैडम देखिए, हम जब कोई चीज की मीनिंग या कोई चीज का रूल देखेंगे तो उसके बुक में ही देखेंगे ना, किसी आदमी के बोलने से तो नहीं हो जाता ना। 25 लोग 25 तर्जुमा करें मैडम, अभी आपको जो बता रहे हैं ना सारी ये उन्होंने बता रहे हैं, देखिए डर भी है खौफ भी है, दो भी है वहां पे, है नहीं, दो दोनों के मीनिंग उनको मिले और बहुत सारे मीनिंग है ना उसके, मैं वही तो बता रहा हूँ ना डर और खौफ आप में कम से क्या कम डिफरेंस है? जी। अब वो खौफ में डर डर और में क्या खौफ डिफरेंस है वो आप देख लीजिए ना, देख मैं रहा बता हूँ रहा हूँ ना ये तो आपको। आप बताओ ना, डर और खौफ में क्या डिफरेंस है? अगर डर लिखा हुआ है तो डर है, खौफ लिखा हुआ है तो खौफ, बात तो एक ही बनती है ना। रोब का अभी मतलब जो मैं लिटरल बोल मीनिंग है रोब का, उसका मतलब है दहशत, जी इसका मतलब दहशत ठीक है डाली। तो मैडम क्यों सारे स्कॉलर्स इस बात को छुपा रहे हैं या फिर एक्सप्लेन गलत कर रहे हैं क्यों, जबकि ठीक है सऊदिया मैडम, में ये अभी बात मानी आप जाती है। सऊदिया में कुरान को ज्यादा वो किया जाता है ना, कुरान का मतलब जाहिर सी बात है अरब का है तो अरबी आती है सबको पता है सबको, तो वो लोग इस बात को जो कहते हैं दहशत जो डाली। और मैडम हमारे जो सऊदी के स्कॉलर्स अभी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जी, नहीं ये अभी है सऊदी अरबी के चेंज हुई, इस पे बात नहीं करिएगा, क्योंकि जो चीज लिखी हुई है कुरान में उनको ज्यादा पता है, ठीक है। वो लोग दहशत कहते हैं इस चीज को, जबकि पाकिस्तानी या एशियन मुस्लिम्स जो हैं स्कॉलर्स हैं तो वो लोग, और मैंने यूरोपियन में, यूरोप में भी बहुत से देखे हैं ऐसे स्कॉलर्स जो इस चीज को उसका नाम दे रहे हैं, खौफ का नाम दे रहे हैं। देखो मैडम अच्छा एक बात ये बता रहा हूँ सर, मैं, मेरा भाई सऊदी कह वाले जो रहा है। अरबी अच्छा बात करते, सेलिना जी, सेलिना जी, ये देखो मैंने अरेबिक टू इंग्लिश गूगल ट्रांसलेटर में डाला है, क्या लिखा है उसमें? हॉरर। हॉरर। आप साहिल लुगत भाई लेना पड़ता ना सब, नहीं लुगत लेना पड़ता ना, आप इंग्लिश में जो गूगल पे देख रहे हैं वो तो कोई उसका नहीं है ना, लुगत का नहीं है ना, आप लुगत का क्या देखो है वैसे तो गूगल कुरान ट्रांसलेटर में खुद क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ ना साहब आपको, कुरान में खुद 10 लुगत 10 किस्म का तर्जुमा लिखे अच्छा आप वो लुगत, देख कौन सी लीजिए लुगत ना, बताओ, कौन सी लुगत, कौन सी लुगत बताओ। ताज बोल के आती, लिसान बोल के आती, बहुत सारे लुगत है, आप आपको हिंदी लुगत तर्जुमे की बता रहा बात, हूँ तर्जुमे की बताओ ना बात कर रहे हो यार ना, कुरान ने तो सिर्फ जी। क्लियरली कहा हुआ है ना, कुरान तो हम बगैर तर्जुमे के पढ़ ही नहीं सकते हम। आप अगर आपको अरबी हाँ आती बेशक है तो भी आपको उसकी हाँ मैडम एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी, हर आयत की एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी अगर आपको अरबी जी, आती है आप तब क्या भी। करेंगे। और हाँ मैडम मैं बोल रहा हूँ ना, अरबों की अरबी जैसे कि अलग है, कुरान की अरबी अलग है, उससे कोई मतलब ही नहीं है ना, उससे हमारे क्या लेना देना है। हम जो मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको डिक्शनरी से बताना चाह रहा हूँ, अगर आप मान रहे हैं तो अगर मानो, नहीं तो उनकी नहीं, इससे अरबी मेरा कोई में, लेना और देना हाँ नहीं है उनकी ना। अरबी में और कुरान की अरबी में इतना फर्क है तो वो लोग कुरान को ऐसे नॉर्मल बुक की तरह क्यों पढ़ते हैं और कैसे पढ़ लेते हैं?
नहीं पढ़ते वो लोग, बुक की तरह नहीं पढ़ते वो लोग को, तो आपकी तर्जुमा खुद सोच है। इंडिया नहीं वाले नहीं जैसे नहीं ही नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, वो बस नॉर्मली पढ़ते हैं क्योंकि हिस्ट्री उनको पता है सब कुछ क्या है क्या नहीं, वो वैसे ही पढ़ रहे होते हैं नॉर्मली बुक, मैंने खुद देखा है यार। आप देखें, मेरे को चलो मालूम है, दोनों भी ये करेंगे तो आपकी मर्जी, आप कर लीजिए ना मैडम, मैं उसको नहीं नहीं बोलूँ ना, आप एक के बोलने चले से या आपके एक के ठीक मानने से है नहीं होती। रोप, यहाँ मैं तो पे मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन था कब से ये रोप का जो है हाँ ठीक है, दहशत रो भी दहशत कह रखो रहे ना हैं और मैडम, सी जी। हाँ ठीक है रोप समझो, दहशत समझो, प्रॉब्लम क्या है, अभी जो आयात है ना, वो आयात में ये बताया गया है कि भाई इन लोगों को पकड़ो और खत्म करो बोल के है, ठीक है। तो मैं बताया ना आपको, 68 टाइम्स आपको समझाया गया, आप 68 टाइम्स नहीं समझे तो उसके बाद में तो मारो ही बोलेंगे ना। नहीं हिंदुस्तान की बात, गवर्नमेंट अगर मैं एक लॉजिक हिंदुस्तान, वाली बात भी है हमेशा, है ना। कुरान, अगर आप लोग हदीसों पे इतना बिलीव करते हो, हदीसें ही कहती है मेरे ख्याल से कि दीन दीन को और दुनिया को साथ लेके चलने वाली बात होती है, ठीक है। तो अगर मैं नहीं लॉजिक बोला की मैडम, बात मैं करें, नहीं बोला, दुनिया आप ये नहीं बोले, हदीसों को चलो नहीं हदीस, मानते। मैं भी नहीं मानती हदीसों को, लेकिन जो लोग हदीसों को मानते हैं वो ही बात करते हैं दीन और दुनिया। क्या अच्छा लोग ठीक नहीं है, फिर मानते आप लेकिन एक ना, सेकेंड, फिर अगर आप हदीसों को नहीं मानते इसका मतलब आप सिर्फ दीन को साथ लेके चलेंगे? आपकी जितनी समझ है आप उतनी बात करेंगे ना मैडम। कुरान जो उतरा है मुकम्मल है, वो कुरान तो जो अल्लाह कुरान की ताला उतरा आयतों को कुरान में एक्सप्लेन कि कर दें। हमने आज दीन को मुकम्मल कर दिया बोलता कुरान अल्लाह ताला, कहीं से भी मुकम्मल नहीं है सर, कहीं से भी। एक लूरी लंगड़ी ठीक है किताब है साहब। कुरान, जिसका हदीसों के बिना कोई मतलब नहीं है। एक आयत जिस पारे पे खत्म होती है उसकी एक्सप्लेनेशन हमेशा दूसरे या तीसरे चौथे किसी और पारे में या किसी और आयतों में मिलती है, दूसरे पारों की आयतों में मिलती है। ये जो है, ये जो चल रहा है सिस्टम, जो स्टेप बाय स्टेप, इसको किस तरीके से इजी किया जाए ये भी बता दें फिर, हाँ ताकि ये लोगों को आसानी, कर वरना सही, ये इतने सही एक्स है, ये मुस्लिम्स तो नहीं होते ना भी सही दुनिया है। में। कुरान की स्टेबिलिटी सही नहीं है बिल्कुल भी, कुरान की स्टेबिलिटी सही नहीं है। देखिए कुरान को पढ़कर आप ये नहीं समझ सकते कि ये कहाँ पर कौन सी बात क्या लिखी है, उसका उसके रिलेटेड जो बात अगली है वो जाने कहाँ पर लिखी हुई है, इनको आप जोड़ भी नहीं सकते एक तरीके से। अगर आप कुरान को स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आप उनको उसका सही मतलब कभी नहीं निकाल पाओगे, और कुरान को समझने देखिए के लिए साहब, हकीकत की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, चाहे आप कितना ही जोर लगा लो आप अकेले कुरान को नहीं समझ सकते। आप नमाज तक का नहीं निकाल सकते भी कुरान में नमाज किस तरीके से पढ़ी जानी है, वजू कैसे करना है, ऐसी बहुत सारी बातें जो आप कुरान हदीसों के बिना कभी समझ ही नहीं सकते कुरान में, भाई कौन सी बात का क्या एग्जैक्टली, ये मतलब जो निकल रहा है। नमाज की जो बात है जिस तरीके से मैं आप बोलूं कहते हो ना, साहब, ठीक है मेरे को टाइम देते हैं, मेरे को चलें टाइम ठीक है, देते हैं, बोलें मेहरबानी बोलें। आप लोगों की। देखिए साहब, ये जब जो चीज आई है जैसा आप बता रहे हैं, उसको कोसे हिसाब से बताते हैं आप। मैं बताया ना आपको, 68 टाइम्स जब इंसान को बोला गया कि भाई ये गलत है मत कर बोल के समझाया गया, उसके बाद में नहीं माने तो वो आयात नाजिल हिस्सों है। अब आप उसको पकड़ के किधर की लेके जा रहे हैं, कहाँ की लेके जा रहे हैं, वो सब ना कौन सा मैं बता रहा हूँ ना आपको, इस पे बात कर लेंगे हम, उसके बाद में अच्छा, दूसरी चीज इसका पे बात कॉन्टेक्स्ट आप करेंगे। कुरान से बताइए, इसका कॉन्टेक्स्ट जी आप जावेद साहब, इसका कॉन्टेक्स्ट आप जी कुरान से बताइए कि यहाँ पे क्या हुआ जी था, क्यों अल्लाह ने ऐसे मैं कहा। बता रहा हूं ना, नहीं कई नहीं कई कुरान के जगह पे कॉन्टेक्स्ट आपको से पता, बताइए, कुरान के कॉन्टेक्स्ट से बताइए। हदीसों पे मत जाना बिल्कुल भी, केवल कुरान में से ही नहीं, बताना जो बताना है, हदीसों पे बिल्कुल मत जाना। मैं जा रहा हूँ ना सब, मैं हदीस पे जाता हूँ, मैं कुरान की बात ही बोल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आपको जब हज करने गए तो वो लोग रोके, जब जैसे कहाँ जो यहाँ इधर, पे कहाँ मक्के है में थे जी, यहाँ पे, कहाँ है इधर, हज करने के लिए गए रोके सूर्य गए, फतह, जरा सूर्य देश फतह को देख देखो। लीजिए ना, सूर्य आप ये फतह सूरह अनफाल तारीख की बात में हो रही है, जी। ये सूरह अनफाल की आयत है, आप सूरह फतह में कहाँ जा रहे हो? नहीं ओके, तो आप पहले ये समझिए कि कुरान जैसे कि एक एक टाइम पे एक एक हिसाब से नाजिल हुआ, तो है आपको जिस दिन नाजिल हुआ उस दिन जैसे कि सूरह फतह में बताया गया कि आप सबर करो रुक जाओ, उसके बाद नहीं में आपको ये फिर जैसे कि जब अच्छा, ये बताइए आप कि इसका कॉन्टेक्स्ट सूरे फतह में है, ऐसा अल्लाह ने कहा कहा है कुरान में नहीं, बताइए, हमारे को तो जब पढ़ते हैं ना, जब हम पढ़ते तो हमें वो समझ में आता ना, आप उस तरीके से नहीं मतलब पढ़े आपको समझ में नहीं, वो कैसे अपनी जगह है ना। आपकी बात क्यों मानी जाए, मैं बता रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट ना साहब, उसका। 68 टाइम्स, वैसे भी कौन सी आयत कौन से दिन नाजिल हुई इसका भी रेफरेंस कुरान में से ही मिलना चाहिए, कौन सी आयत कौन से दिन नाजिल हुई कम से कम अभी इसका भी रेफरेंस हाँ कुरान से मिलना चाहिए। ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप तो अगर कुरान पढ़े हैं तो आपको मालूम है 70 टाइम्स जैसे कि आपको कुरान में कत्ल और खिताल की बात आई, जिसमें आपको 68 टाइम्स रोका गया, सबर करो बोला गया, उसके बाद में 2 या 3 टाइम्स आपको उनसे जंग करो उनको कत्ल करो बोल गया,
तो फिर ये 68 जो बताया गया उसको कौन से आयतों से लेते, फिर आप कैसा लेते हैं? जावेद भाई देखो, इस आयत में बिल्कुल साफ है कि यहाँ पे काफिरों की गर्दन उड़ाने के लिए कहा गया है, ठीक है? बेशक 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 सही बोल रहे हैं। सुन लीजिए, जनरल काफी टर्म है जिसमें सब काफिर आ जाते हैं। नहीं होता ऐसा, नहीं होता, इसीलिए आप कुरान से बताओगे ये कौन से काफिर है जिसकी गर्दनें उड़ाने के लिए कही गई है? जी जी मैं वही बोल रहा हूँ ना, काफिर उसको बोलते जो अपने अंदर छुपाता, दीन मालूम हो गया, हक बात मालूम हो गया। हक बात क्या है बोल सकते हैं आप? बोलना नहीं, मैं बोलना यार, कुरान की आयत से बताइए, मेहरबानी होगी आपकी। मैं बता रहा हूँ ना, कुरान की आयत कुरान की आपने कुरान की सूरह बकरा की 177 आयत ले लो, जो लोग पैसा रखने के बावजूद गरीबों को, मिस्कीनों को, मुसाफिरों को मतलब क्या बोलते हैं, और जो सबर करते वो लोगों को, जैसे कि अल्लाह मुस्लिम बोलता क्या बोलते, परहेजगार बोलता पहले, तो परहेजगार वो लोग है, उसके बाद में इस्लाम में एंट्री है आपको। जावेद भाई आपने अभी तक ये नहीं बताया कि यहाँ पे काफिरों को, कौन से वाले काफिरों को इधर गर्दन उड़ाने के लिए अल्लाह कह रहा है, ये कुरान से बताइए आप। जो लोग हक को छुपा दिए, लोगों को कत्ल करे, लोगों का लूट लिए, उनको काफिर बोला गया वहां पे। कहाँ है? मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, 68 ऐसा तो मोहम्मद साहब भी फिर बहुत बड़े काफिर है, उन्होंने भी ऐसे लोगों को लूटा है जो रास्ते से जा रहे थे अपना सामान बेचने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उनको मोहम्मद साहब ने लूटा है। कहाँ पे ऐसे तो वो भी काफिर हुए, कहाँ पे है वो? अब हदीसों को तो आप मानते हैं, क्या बताया आपको? हदीसों को मानते हैं आप, बताइए ना। एक मिनट, अब आप मानते नहीं हदीसों को, क्या करें? हाँ तो नहीं बोलना चाहिए, हदीसों को नहीं मानते तो आपको नहीं बोलना चाहिए था भाई। हाँ सर, बोलने का जाता है, क्या इनके मन माफिक सवाल पूछ रहा हूँ, ये 68 बार किसको समझाया गया था? जहाँ जो मुशरिका ने मक्का थे, जो शरीक करते थे, जो झूठ बोलते थे, जो चोरी करते थे, जो जैसे कि लोगों को खतल करते थे, उनको समझाया गया। मुशरिका ने मक्का को समझाया गया, ये बात कहाँ लिखी है? जबकि ये बोलते हैं ये किताब पूरी दुनिया के लिए है, कहाँ लिखा कुरान मुशरिका ने समझाया गया? आपको बता रहा हूँ ना मैं, सूरह बकरा की 177 आयत निकालो आप, बोलता हूँ। हाँ ये लो, मैं निकाल रहा हूँ, एक मिनट निकाल तो जाता हूँ जी। पूरी आयत में नीचे की आधी आयत पढ़िए आप, 177 177 जी ना, उसमें नीचे की आधी पूरी आयत पढ़ लो, उसमें आधी नीचे की आयत है, देखिए जो पैसा रखने के बावजूद। यार रुको जरा जी, नेकी ये नहीं कि तुम मशरिक या मगरिब को किबला समझ कर इनकी तरफ। हाँ, पढ़ने से पहले पूछ लो कि बाद में ये तो नहीं बोलेगा ना सारा तर्जुमा गलत है? नहीं 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 बोलूंगा मैं, बढ़िया मैं वहां पे बता दूंगा आपको, तर्जुमा कर रहा तो बता दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, आप ही पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे है। नहीं नहीं आप नहीं, मेरे मैं तो बाहर हूँ ना सर, मैं बाहर हूँ, आप पढ़ लीजिए, पढ़ो मैं बोल दू ना, पढ़ लीजिए। नेकी ये नहीं कि तुम मशरिक या मगरिब को किबला समझकर इनकी तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग खुदा पर और रोजे आखिरत पर और फरिश्तों पर और किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाए और माल बावजूद अजीज। एक मिनट, ये ऊपर की जो आयत है सब वो एंट्री हो गया बात की है, ये जो पढ़ रहे हैं आप माल रखने के बावजूद जो पढ़ रहे हैं यहाँ से पढ़िए आप। कौन सी एंट्री? नहीं नहीं आप पढ़िए ना, अभी कंटिन्यू कर दीजिए, मैं बोलता हूँ। नहीं आप एंट्री किसकी, क्या एंट्री बोल रहे हो? मैं आप ये पढ़ लीजिए ना सब, प्लीज आप पढ़ लीजिए ना, मैं बोलता हूँ प्लीज। अच्छा और माल बावजूद अजीज रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें और गर्दनों में और नमाज पढ़े और जकात दे और जब अहद कर ले तो इसको पूरा करे और सख्ती और तकलीफ में और कारजार के वक्त साबित कदम रहे, यही लोग जो सच्चे हैं और यही है जो डरने वाले। हाँ इसमें काफिरों की बात कहाँ से आई है? तो यही बता रहा हूँ ना सर, ये लोग हर कौम में पाए जाते हैं, ये लोग हर कौम में पाए जाते हैं, इन लोगों को सुनो आपसे सुनो सवाल आपसे सवाल एक बार किया गया है, आप जवाब दे रहे हो।
इनसे मैं मैंने क्या ये करूं पूछा साहब, था कुफर। कि हाँ 68 बार किन काफिरों को समझाया गया था, क्योंकि काफिर तो पूरी दुनिया में आज भी हैं, उस टाइम भी थे, उससे पहले भी थे, सबको मैं ये तो समझाया बता रहा हूँ, गया था। मैं यही तो बता रहा हूँ ना साहब आपको। इन लोगों को शरीफ लोग बताया गया, अच्छे लोग बताया गया, ये नहीं, हमें लोगों को शरीफों जैसे कि नसीहत की कर। नहीं, जी हमें शरीफों की बात क्या ही बोले नहीं करनी, भाई हम चोर इंसान। हमें ये बताओ, ये जी, चोर अड़सठ है तो, चोर बार है तो सजा तो मिलेगी ना सर जी। 68 बार किसको समझाया गया? वहां पे जो लोग जुलुम कर रहे थे, ज्यादती कर रहे थे, जो कत्ल कर रहे थे, उनको समझाया गया। कहाँ पे, कहाँ वही है, वही तो पूछ रहे हैं। तो है ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं आपको बोला क्या ना, वहां ये पे लोग लोग वही जैसे कि आती अच्छे है लोग क्या, हैं कहाँ पे जुलम कर रहे थे वो, जी किसके ऊपर जुलम कर रहे थे? जी क्या बोले, सुने नहीं आ, लाइन जरा प्रॉब्लम हो रही है सर। कहाँ पे जुल्म कर रहे थे, किसके ऊपर जुल्म कर रहे थे, कहाँ है सारी बातें कुरान में? वो पूरे बातें बता रहा हूँ ना साहब आपको मैं, अगर आप आयत नंबर होना बोल तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके स्क्रीन पे आके दे दूंगा, पूरे आयत नंबर ना दे दूंगा हाँ तो वो आपको लेके आइए ना, अभी आपके पास नहीं है, अभी मैं। आपने जो आयत बताई उसमें तो वैसा नहीं, कुछ है ही नहीं जो आप बोल रहे थे। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे ना साहब, आप मेरे को टाइम ही नहीं दे रहे ना, आप मेरे को टाइम तो दो ना, 2 सेकंड टाइम दो, मैं बात करे बाद में आप बोल लीजिए। रेफरेंस दोगे तो टाइम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा सर, हमने आपको काफी मैं बोल टाइम रहा हूँ दिया ना है। सर, रेफरेंस आपको, रेफरेंस दिया वो चीज का, कम से कम खुलासा तो करने दो, मेरे को बात तो बताने दो ना जैसे प्लीज। आप, एक मिनट, आप आयत मैंने जो जो आप दिया आयत था सर, बताइए ना, अभी एक सेकंड साहिल, ये इनको जो आयत बताइए बस इनको बोलो कि उससे एक्सप्लेन कर देना इसमें क्या, अगर 1-2 सेकंड मांगे शक, क्या पता उनको पढ़ना हो, पढ़ने के लिए ले लें, 1-2 मिनट, खत्म हो गई बात। अच्छा, इनकी खुद की एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगी ना, ये कुरान ओनली है ना। नहीं खुद नहीं की साहब, नहीं मैं ना, उसी से मैं कर रहा खुद हूँ ये ना, बोल रही हूँ, मैं उसी खुद से ये कर रहा बोल रही हूँ हूँ। कि आयतों से ही दें एक्सप्लेनेशन। हाँ ये ठीक जो है। आयत आप पढ़े ना, आप जो आयत पढ़े ना, ऊपर की आयत जैसे कि अल्लाह और उसके रसूल फरिश्तों को मानने की बात है, नीचे की जो आयत है वो इंसान समाज में शरीफ माना जाता, अच्छा माना जाता, ये लोग जैसे कि अच्छे लोग हैं। अगर ऐसे लोग अगर इस्लाम में आना चाहें तो वेलकम है। इनके बरखिलाफ वहां पे जब जब जंगें होती थी, जब वो जो वो टाइम था, वो जब लूट मार का था, वो टाइम पे वो लोग आके जब लूट मार करे, जब कहाँ है मारे, वो, जब कत्ल करे कौन, 1 मिनट, जी, कौन आके लूटमार करते थे भाई? मैं बता रहा हूँ ना साहब, 68 आया था आपको, मैं दूंगा दिए बाद में आप बोलिए मेरे को, अभी तो मैं बाहर हूं, मैं वो तो दे नहीं सकता हूँ आपको। रिफरेंस मत नहीं, आप जो बताइए, आयात लेके बैठे जी, रिफरेंस मत बताइए, ऐसे ही बता दिए कौन थे भाई जो आ रहे थे मारने, कहाँ के कौन है वो लोग? आप तो एक्स मुस्लिम है ना साहब, आपको तो मालूम है ना कितने आयाते हैं कुरान में, मैं बोलने का क्या है, नहीं आपको मालूम है मालूम है बोल के हमको, मैं ये कर रहा हूँ? अगर यही नहीं सवाल कोई ब्लैंक आपसे है गैर मुस्लिम करते जावेद भाई, हम ब्लैंक है, अगर आपके जी, पास हवाले नहीं है तो मेहरबानी होगी आपको, आप जाकर तहकीक करें और हवाले लेके आए, टाइम वेस्ट करने के बदले, बिना ठीक है, अच्छी हवालों बात के सर, मैं आपकी लेके कोई आऊंगा, बात भी ठीक नहीं है, मानी जाएगी। जी अच्छी बात हो। आपकी नेक्स्ट स्ट्रीम कब है बोलिए? फ्राइडे होगी। अच्छा फ्राइडे होगी, ओके, मैं फ्राइडे के जी दिन मैं आ जाऊंगा, आप लोग जैसे कि मेरे को करेंगे। आप आप साहिल बोल रहे हैं क्या? हाँ जावेद जी जी, जावेद जी, आप जी उस सर, टाइम जी सर आओगे, बोलिए आपको उस जी। टॉपिक को छोड़ के मेरा पहला सवाल फिर यही रहेगा कि वो 68 बार किनको समझाया गया था? हाँ ठीक है, बता दूंगा ना, मैं आयात दे दूंगा आपको, आप देख लीजिए, उसके बाद में मैं बात करूंगा दूसरी बार। ठीक है साहिल कौन बोल रहे हैं आप? साहिल है या तो वो साहिल है? साहिल कौन है इसमें? जी, मैं साहिल हूँ। मैं आपका एक्चुअली हमदर्द और सच वाला से जो डिबेट था वो देखा था मैं आपसे, ठीक उसमें है, आप जो पार्ट निभाए ना, बहुत मेरे को अच्छा दिखा। वैसे मैं दूसरों से भी ओके, बात करा, मेरे को हर जगह ब्लॉक कर दिया गया, इसलिए कि मैं जब वो टॉपिक पे वो पूरे हवाले लेके घर में बैठा था मैं, तो मेरे को हर जगह ब्लॉक कर दिया गया। तो आप जब बात करे तो मेरे को बहुत पसंद आई आपकी बात, उसीलिए आपसे मैं बात करने के लिए यहाँ पे आया। वो एकदम सडनली मेरे को याद आया, रिमाइंडर रखा था मैं एक्चुअली आपका, तो मेरे को यहाँ पे जैसे ही अलार्म था, मेरे को, मैं यहाँ पे रुक के आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं आधे घंटे से ट्राई कर रहा था, आपका एंट्री नहीं मिल रही थी मेरे को रूम में। तो फिर जब मेरे को एंट्री मिली तो मैं, चलो बात तो कर लेंगे, मालूम तो हो जाता, साहिल साहब से हम भी एक बार बात करके देखेंगे हमारे साथ इनका रवैया कैसा है, बल्कि देख रहा था मैं। पर मैं इसलिए पहले नहीं बोला आपको ये कि मैं कुछ कुछ ये कर दे रहा हूँ समझेंगे आप, बल्कि नहीं बोला, इसलिए लास्ट में बोल रहा हूँ आपको ये बात ठीक ऐसा। है, खैर वैसे मेरे से आपसे बात करके खुशी हुई, इसलिए कि आप एक संजीदा इंसान है, अच्छी बात करते हैं आप। खैर आप समझे नहीं बहुत समझे, वो शुक्रिया अल्लाह हिदायत देने वाला है, अल्लाह हिदायत देने जी। वाला है, उससे मेरे को लेना देना नहीं है। मेरा काम यह था कि भाई जो आयात थी उसके ऊपर मेरा एक्सप्लेनेशन देना था। खैर आप उसको मानते नहीं मानते अलग बात है, आपको मैं 68 आयात लेके फ्राइडे के दिन मैं आपके साथ बात करूंगा सर, ठीक है?
जावेद भाई। जी भाई हाँ, आपकी सब बात ठीक है। एक बात और बता दूं, सारे जी तर्जुमे साहब, हटा के किसी एक तर्जुमे पे जिस दिन पूरी मुस्लिम उम्मा ईमान ले आएगी या उसको मान लेगी कि हाँ दुरुस्त है, मैं भी ईमान ले आऊं। देखिए साहब एक बात बताता हूँ आपको मैं, जब वो एक भाई की बात दूसरी भाई नहीं सुनता साहब, एक उल्मा की बात दूसरे उल्मा नहीं सुनते साहब, जितने यहाँ पे फिरके बढ़ गए ना, वो फिरके आप सोच भी नहीं सकते ना साहब। वैसे टाइम पे कौन लाता साहब यहाँ पे, किसको बोल सकते आप, बोलिए। कोई तब यही दिक्कत है मानने ना को तैयार है क्या आजकल, जी? कोई मानने को तैयार है क्या, बोलिए आप। सुनिए, वो सिर्फ झूठ होता है जिसको डिफेंस करने के लिए 1000 झूठ बोले जाएं। मैं तो आपको रेफरेंस दे रहा हूँ ना साहब, डिक्शनरी से देख नहीं, लो, वरना आपको मैं खुला मैं बता एक दिया। बात करूं, एक सेकेंड। ये आप कह रहे हैं कि जो फिरके बने इस वजह से एक दूसरे की बात नहीं सुनी जाती, लेकिन कुरान तो सारे फिरकों का एक ही है ना। जी मैडम, अल्लाह ताला तो बोलता है अगर कि उसको कोई आपको मिलके एक्सप्लेन रस्सी को करेगा, पकड़ लो, बोलता जी नहीं, अगर कोई मैडम उसको एक्सप्लेन अल्लाह करेगा तो सारे फिरके एक ही चीज को एक्सप्लेन करेंगे ना, एक ही बात करेंगे ना। ये सब पढ़ के तो ना मैडम, अल्लाह ताला बोल रहा है कि आप रस्सी, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो बोला, उसके बाद भी अगर आप बढ़ गए तो कौन क्या करेंगे आपको, फ्री विल इसीलिए दिया ना मैडम, नहीं, मैं आपको एक फ्री विल फिरकों की देने बात का। नहीं कर रही, मैं फिरकों की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ जी सारे फिरकों का कुरान तो एक ही है, हाँ बेशक, जी सेम आयते बोलिए। हैं, सब कुछ सेम पढ़ते जी हैं, बोलिए। तो एक्सप्लेनेशन भी सेम जी होगी। तो इससे ये कैसे वो नहीं होगा नहीं कि हर स्कॉलर एक दूसरे की सुनता नहीं है, मानता नहीं है, तो फिर तो कोई इसका लॉजिक नहीं बनता ना। मतलब सारे स्कॉलर अगर एक आयत पढ़ रहे हैं तो वो उसी आयत को उसी एक ही तरह एक्सप्लेन करेंगे ना। अरे एक मिनट साहिल भाई। जी गालिब भाई बोलिए। हाँ जी मैं ये बोल मैडम, रहा देखिए हूँ, देखिए मैडम, बोलिए। होमवर्क मिल गया है और भी लोग लाइन में हैं, क्यों किसी के साथ जुल्म कर रहे हो भाई? ठीक है, चलिए आप अपना ठीक है होमवर्क आगे, करके आइएगा जावेद साहब। अच्छी अच्छी बात, अच्छी बात, ठीक है, ओके जरूर, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा थैंक लगा यू, आपसे बात शुक्रिया, करके। जी, ओके, मेरे को भी अच्छा लगा आपका भी आपसे बहुत बात बहुत करके, बहुत शुक्रिया। खुशी हुई आपसे बात करके, ओके ठीक है ओके। सर।